और आदिवासियों का हमारे यहाँ से राजकुमार जी जीत के थे, तब जाके हमको पता लगा। क्या पता लगा? हमारा समाज का, हमारे ट्राइबल क्षेत्र का क्या क्या आवश्यकता है और किस मानव या किस वस्तु की यहाँ पर आवश्यकता है। हमको तो रोड की बात करी, हमको गेटर सेट की बात करी, हमको हैंडपंप की बात करी, बोल अधिकार की बात नहीं करी, कही नहीं करी, किसी ने नहीं करी साथियों। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा हमारा ये की देगा जयपुर में जाके तिहाड़ेगा और राजकुमारी दिल्ली की कुर्सी में जाके तिहाड़ेगा हमारे समाज और ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे यहाँ पर सभी समाज की, सर्व समाज की, राजकुमारी और देखी दादा सर्व समाज की बात करके टीएस में रहने वालों के लिए, वो हमारे साथ में रहते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा देखी दादा और राजकुमार जी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ, राजकुमार जी के सबको मौका नहीं मिलेगा, क्या बात नहीं होती है। कोई भी काम हो, सुख दुख में जेकी दादा का काम हो या राजकुमार जी का काम होगा, मैं आपके साथ में कंधे से कंधे मिला करके आपकी बात आगे तक पहुंचाने का वादा दिलाता हूँ। राजकुमार जी का हाथ पकड़ के कहूंगा राजकुमार ये बात दिल्ली में उठानी है, और भाई श्री जेकी दादा को कहूंगा हमारे सब क्षेत्र में हमारे बेटों की या युवा साथियों की या गरीबों बेरोजगार की बात आपको विधानसभा में उठानी है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों। तो हाथ खड़े करके हमारे राजकुमार जी को और जेकी दादा को आश्वस्त करते हैं हम आपके साथ में हैं और आपको जिताएंगे। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा स्पीकर बंद है बीजेपी वालों ने हमारे यहाँ पर मोदी जी ने कहा फर्स्ट बार सुना मेरे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं काला धन लाऊंगा तो जीरो बैलेंस में खाता खोलते हो और 15-15 लाख रुपया दूंगा। उसके बाद हमारे बहनों ने भाई में खाते खुलवा दिए और खाते में पैसा आया, बोलो जो से आवाज आया कि नहीं आया। इसीलिए और मान सके जी जीत के गए यहाँ पर बागीदार विधानसभा में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ बागीदार में एक भी ईंट यहाँ पर नहीं लगा, एक भी हैंडपंप नहीं खुदवाया ऐसे खुदवाया भाई सरकार ने। उसके बाद में कनाडा जी की बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने भी यहाँ पर एक भी काम नहीं किया है। और अभी हमारे यहाँ के प्रत्याशी जो कांग्रेस के जुझारू अब हम हमारी कांग्रेस को आई बाप कहने वाले, और वो कह रहे थे भाइयों मोदी जी ने पूछो नहीं पूरी बेटी के रोटे कैसे लगते हैं, ये कटेड़ा बात हमारी देशवासी ने बनाई है। और आज उसको कह रहे थे कि फूलड़ा वालों को वोट आज नहीं कल नहीं, तो हम ये कहना चाहता हूँ हंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो भी बीजेपी में गए हैं मेरे साथी उनको भी कहना चाहता हूँ कि भाई उस समय तो हमको सलाकेश्वर महादेव के सौगंध खिलाए, भैरव जी के सौगंध खिलाए, रसोड़े हनुमान के सौगंध खिलाए, हमारे साथ के सौगंध खिला के नहीं खिलाए। उसके बाद में कह रहे हैं कि फूल में मेरे को वोट दे दो और मोथड़ों को लाइ सोरे खाली फूल बदलाइयो, ये बात नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ अभी विधानसभा में हमारे यहाँ पर 3-3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी प्रधान के रूप में रहे हो, उसके बाद में भी पेट नहीं बना, उसके बाद में वहां जाकर के कह रहे थे हम तो फूल में जाकर के विकास कर देंगे। या मैं ये उनको पूछना चाहता हूँ क्या हमारे माँ बाप कांग्रेस थी, उसके बाद में वो कह रहे थे कांग्रेस में सोगन खाओ, गुआते वाला होगन खो, तमाई वाला होगन खो, खादा कि नहीं खादा। इसके बाद में फिर वो जा रहे बीजेपी में जाके टिकट लाए, जनता कांग्रेस की मुझे वोट दे देगी और समाज सभी समाज के वोट लोग वोट दे देंगे, यूँ करके गए, लेकिन हमको फूल पर वोट नहीं देना है। उसके बाद में मैं आपको ये कहना चाहूंगा ऐसी सरकार जो उन्होंने हमारे साथ में गला घोट दिया है, अभी हमारे भाई रवि दादा ने बोला हमारे साथ में ऐसा खिलवाड़ किया है, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा दाणी दाणी मजे मजे में हमारे राजकुमार जी आपको खुद को बनना है, हमारे देखी दादा खुद को बनना है, हमारे बीच में राजकुमार जी नहीं आई है, नहीं होना चाहिए।
ये किया नहीं आया, ये नहीं होना चाहिए। आप सबको संकल्प लेना है कि हमको किस तरह से हमें हमारे दाएं में जा करके हमारा वोट मांगना है। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे 61,000 ये किया वोट आया है, केवल आपको इस भागीदार में सीधे से 3 मीटिंग है अभी।